प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। सिटी वन चैनल के सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर क्षेत्र के भाजयुमो द्वारा 62 विधानसभा क्षेत्र में 124 स्थान पर 9 मतदाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी ने नए मतदाताओं में मतदाता पहचान पत्र का वितरण कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद पुलिस को किया निर्देशित, कहा गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहे मुस्तैद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता LED वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर परंपरागत परेड की सलामी लेंगे मंडलायुक्त। SIC ने दी जानकारी, कहा जल्द ही जिला चिकित्सालय के नए बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे मरीजों को मिलेगी सारी सुविधाएं। राष्ट्रवर्धन समिति के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस से पूर्व निकाली गई तिरंगा यात्रा। और उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर की मांग, कहा बंधु सिंह पार्क में बनने वाले नए भवन का नाम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी पर रखें नगर निगम। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्र में कुल 124 स्थान पर 9 मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें लगभग 2.5 लाख मतदाता जुड़े, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। इसी क्रम में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की मौजूदगी में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से भाजपा कार्यकर्ता में भी ऊर्जा का संचार हुआ। इस मौके पर भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपकी दूर दृष्टि और इच्छा शक्ति ने 22 तारीख को आपके घर कमरों द्वारा जो राम लला जी का आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया और इसके साथ साथ विकसित डेवलप भारत और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य को नमन करने का कार्य कर नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी आ रहे हैं। 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बन जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और विशेष तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम सब लोग जहां पूरे देश भर में
सभी विधानसभाओं में दो दो स्थानों पर, ऐसे हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा के विभिन्न विधानसभाओं में दो स्थानों पर ये 9 मतदाताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस 9 मतदाता सम्मेलन में हम लोगों ने गोरखपुर क्षेत्र के 124 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया है, बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। और प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम में कहीं 1000 कहीं 1500 ऐसे 9 मतदाता वहाँ उपस्थित रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अभी संबोधन किया है, और इस देश के नौजवानों के प्रति उनका जो आह्वान रहा है, उन्होंने नौजवानों से जो निवेदन किया, आह्वान किया है कि हम विकसित भारत, सामर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय को लेकर के उन्होंने नौजवानों के बीच में अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार कोई इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री जो नए मतदाताओं को संबोधित करके एक आह्वान उनका जो है, जो उनका संकल्प है कि हम विकसित राष्ट्र बनाने में अपने नौजवानों की महती भूमिका है, इस तरफ उन्होंने इंगित किया है। और मुझे लगता है कि हमारे इस देश का नौजवान आज मोदी आइकान बन के उभरे हैं, और इसके कारण हमारे देश के नौजवानों ने चाहे किसी भी सेक्टर में अपना योगदान दे करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गोरखपुर क्षेत्र के 124 स्थानों को टोटल हम लोग मिलाएं, एक बड़ी संख्या में इस गोरखपुर क्षेत्र के युवा मतदाता भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की साख, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का जो उनके प्रति आकर्षण है, वो नौजवानों में भी है, आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हम सबका संकल्प है, भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत समर्थ राष्ट्र बने, भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, वो संकल्प लेकर के हमारे युवा साथी यहाँ से गए। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के मैदान में सदर तहसील प्रशासन के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र व उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी किया। वहीं जिलाधिकारी ने मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्कूली बच्चों को मतदाता शपथ भी दिलाई। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, एडीएम वित्त विनित कुमार सिंह, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ सदर, तहसीलदार विकास कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और हम सर से अनुरोध करेंगे, मैम से हमें एक बार पुनः अधिकारी महोदय और मंच पर उपस्थित श्री राजू जी के द्वारा सर को कैप पहनाया जा रहा है। कार्यक्रम हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए बनाए रखेंगे तथा निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। श्री नंद कुमार यादव जी को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों से इनका योगदान रहा है। अंगवस्त्रम को प्राप्त करते हुए ओजस्वी पांडे, श्रेयज देवेश यादव, पूजा मधेशिया, आशीष चंद्र, मृदुला सिंह जी, अनुराधा पांडे जी, प्रेम कला जी, सुमन गुप्ता
जितने नए वोटर्स बने हैं आप सबको बधाई, और जितने भी आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है, जो लोग छूट गए हैं उनको आप प्रेरित करें कि वोटर बने और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, नेशनल वोटर्स डे है और आज बेसिकली हमारे यहाँ सेंट एंड्रयूज में एक कार्यक्रम रखा गया था वोटर अवेयरनेस के लिए। तो बेसिकली आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ नए वोटर्स बने 18 से 19 के बीच में, उन बच्चों को सम्मानित करना, जो अच्छे BLOs काम किए उनको सम्मानित करना और इनको प्रेरित करना कि ये हमारे एक आइकन बने, और जो छूटे हुए अभी भी वोटर्स बचे हुए हैं 18+ में, उनको आप वोटर्स बनाएं ये लोग, और जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें वोटिंग तक का प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करें एक्टिवली और लोगों को प्रेरित करें कि ये अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से आमजन में सुरक्षा का एहसास, साथ ही बैरिकेटिंग के माध्यम से संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की जाँच सघन पैमाने पर की जाए, साथ ही जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर नजर बनाते हुए जनपद के समस्त होटल ढाबा सहित अन्य स्थानों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों और गस्टेड ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग बनाए रखें, बैरियर लगा कर के संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जाए। इसके अतिरिक्त जितने भी होटल, ढाबे, गेस्ट हाउसेज, लॉज वगैरह हैं उनकी भी चेकिंग की जाए, जो व्यक्ति वहाँ पर रुक रहे हैं उनकी जानकारी की जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की गड़बड़ी फैला सकता है या इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण में ये पूरा जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके पूरा इंतजाम किया जाए। पुनः मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को इस हमारे इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के मैदान से मतदाता जागरूकता LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो तहसीलों, दूर दराज के गांव में जाकर वोट डालवाने का डेमो देने का कार्य करेगा, जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी उत्पन्न न हो और उनका मत पड़ा या नहीं इसको लेकर वह संतुष्ट रहें। वहीं आमजन से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील करेगा। अरे भाई जाए तो पूरा जाने के बाद मैं थोड़ा पीछे आ गया, मैं थोड़ा सा पीछे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये भ्रमणशील होकर लोगों को अवेयरनेस में, चूँकि LED वैन है तो इसमें अलग अलग वीडियोस हमें बना के इसमें अपलोड किया है ताकि लोगों को हम लोग इलेक्शन प्रोसेस के प्रति जागरूक कर सकें। धन्यवाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन।
हाय मनमीत. हाय हमीद. विद मीत ब्रोस. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आइए देखते हैं दिन भर. 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर परंपरागत परेड की सलामी मंडलायुक्त अनिल झिंगरा द्वारा ली जाएगी. परेड के माध्यम से पुलिस की विभिन्न शाखाओं की टोलियां अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन करेंगे. साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा संस्कृति के कार्यक्रम भी प्रस्तुति की जाएगी. पुलिस लाइन्स में कल गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल उसके चीफ गेस्ट रहेंगे. उनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी और इसमें कई टोलियां हमारी सम्मिलित रहेंगी, जिसमें विशेष रूप से पुलिस की टोलियों के साथ साथ हमारी जो दंगा नियंत्रण उपकरण है और बाकी जो चीज़ें उसमें हैं वो सारी की टोलियां शामिल रहेंगी और एक भव्य परेड का आयोजन पुलिस लाइन गोरखपुर में. नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय की नई बिल्डिंग को लेकर शासन द्वारा लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है. जल्द ही जिला चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मरीजों और तीमारदारों को मिल सकेगी. वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुरानी बिल्डिंग जो 1905 में बनाई गई थी उसे अस्पताल प्रशासन द्वारा हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में घोषित किया जाएगा. नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पर ओपीडी, कॉरिडोर एरिया, लगभग 15 कमरे, जन औषधि की दुकान आदि अन्य सुविधाओं से भी सुसज्जित किया जाएगा. इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया. सर, शासन से उस स्तर पे करीब 22 करोड़ रुपए की पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और एक कार्यदायी संस्था CALF को उनकी निविदा अभी हुई नहीं है, लेकिन उनको ही जाएगा ये जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है. और इसमें जो बड़ी सी जो बिल्डिंग एक ही छत के नीचे हम सबको लाना चाहते थे और शासन भी की मंशा यही थी कि इस जगह का जिस बिल्डिंग में आप आए हैं इसको हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 1905 की बनी हुई हॉस्पिटल है और जो नई जगह बन रही है उसमें ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग रहेगी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सब OPDs रहेंगी, 14 कमरे वगैरह हैं. उसी के बाद अगल बगल जो कॉरिडोर एरिया रहेंगी उसमें जन औषधि की भी दुकानें रहेंगी और हमारे OPDs के मरीजों के लिए भी काफ़ी स्पेस देगा. और सबसे टॉप फ्लोर में जब रहेगा उसके ऊपर हम जो है स्टोर बना दिया जाएगा उस पर. और इस तरह के कार अभी मतलब मिला है कार के अभी वृद्धि पूरी पास. जगह कहाँ चिन्हित किया गया सर? जगह तो हमारे अस्पताल से जो गेट घुसते हैं आप उसके दाहिने हाथ में जो थोड़ी खाली जगह है, पीछे एक शिव जी के मंदिर है उसके पीछे से हो रहा है. और तब और जब ये काम होने लगेगा तो आने वाले रास्ता में जितने पुरानी जर्जर बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ दी जाएगी. हमारे गेट से जब अंतर करते हैं उसके दाहिनी तरफ वाली गेट पुरानी बिल्डिंग जो है उसको क्या किया जाएगा? उसको तो शासन गिरा देगा, चूँकि ऐसे भी उनको जर्जर घोषित किया है उन्होंने. समय आने पर सबको मैंने दे भी दिया है कि आप अब अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके कृपया घर खाली कर दें. जो अनाधिकृत लोग से उसमें जो रह रहे थे, कल कुछ आपने देखा भी है कि हमारे कुछ वहाँ पर सफाई अभियान भी चला है सरकार के द्वारा, कुछ लोगों को अवैध लोगों को हटाया भी गया है उधर बाहर की ओर. राष्ट्र बंधन समिति के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस से पूर्व समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. वहीं शास्त्री चौक पहुंचकर भारत माता की आरती भी उतारी गई. भारत माता की जय.
संबंध में सचिवन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रवंदन समिति के प्रदेश संयोजक देवीलाल गुप्ता ने बताया। राष्ट्रवंदन समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 25 तारीख हर मंथ में भारत माता की आरती होती है और इस डेट में हर मंथ में आरती किया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाह रहे कि कल गणतंत्र दिवस है, आजकल लोग गणतंत्र संविधान लागू हुआ था और हम लोग इसको और बढ़ावा दे रहे हैं और आरती करते मंथ में 25 तारीख में। उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर बंधु सिंह पार्क से सचे नगर निगम द्वारा संचालित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किए जाने सहित अन्य विषयों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 50 वर्षों से यहां पर दुकानदार अपनी दुकान चला रहे हैं, हमारी मांग है कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए। वहीं नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले भवन का नाम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर रखा जाए। बंधु सिंह मार्केट की जो दुकानें हैं वो विगत 50 साल से लोग उसमें किराएदारी के रूप में रहते चले आ रहे हैं, उनको 23 तारीख को नगर निगम प्रशासक ने पेपर के माध्यम से अवगत कराया कि आपको दुकानें 23 तारीख को तोड़ दी जाएगी। क्योंकि हम लोग को नोटिस नहीं मिला था और अवगत नहीं कराया गया था, इसलिए हम लोग नगर आयुक्त से समय लेकर के और 21 तारीख को हम लोग मिले हैं उनसे, जिससे उन्होंने 15 दिन का मुझे समय दिया, उनको एक मैंने ज्ञापन भी दिया और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जाके मंदिर के सचिव माननीय आदरणीय द्वारका तिवारी जी के द्वारा हम लोग एक माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी एक संबोधित हमने ज्ञापन दिया, जिससे हम लोग को 15 दिन का समय मिला, 21 तारीख से लेकर के 15 दिन का समय मिला जिससे दुकान आप लोग खाली कराने, हम इसको सच्चा में हम लोग खाली कर रहे हैं। इस बात को लेकर के सारे लोग अपने अपने व्यवस्थित कर रहे हैं। हमारा अब ये मांग है कि हमारी जो दुकानें हैं जो 50 साल से उसमें किराएदार रह रहे हैं, जो उनके दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ लग चुकी हैं, उनको दुकान देने की कृपा करें नगर निगम, और जो नियमित उसमें किराएदार हैं जिनका रसीद कट रहा है उनको देने की कृपा करें, और जो हमारी प्राथमिकता के आधार पर जो किराएदार हैं उन्हें जो है दुकान देने की कृपा करें और एक लिखित रूप से दें। हम लोग को लिखित नहीं दिया कि हम आपको दुकान देंगे, मौखिक रूप से अपर नगर आयुक्त ने ये कहा कि हम आपको दुकान देंगे, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं, हम मांग करें तो हमें लिखित दिया जाए। तीसरा ये है कि उसमें शीतला माता का मंदिर है जिसमें करीब 25 उसमें मूर्तियाँ हैं, 25 मूर्तियाँ विशाल मूर्तियाँ हैं, बहुत प्राचीन मूर्ति है जो बंधु सिंह के द्वारा निमित्त वहाँ पर बनाई गई थी, स्थापित किया गया था, उनको भी स्थान दिया जाए। चौथा ये है कि हम लोग मांग करते हैं उस भवन का निर्माण, क्योंकि ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज हमारे उस पार्क में और हमारे कम्प्लेक्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए उस भवन का नाम भी ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज के नाम से उसको किया जाए। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर क्षेत्र के भाजयुमो द्वारा 62 विधानसभा क्षेत्र में 124 स्थान पर 9 मतदाता सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी ने नए मतदाताओं में मतदाता पहचान पत्र का वितरण कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद पुलिस को किया निर्देशित, कहा गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहे मुस्तैद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर परंपरागत परेड की सलामी लेंगे मंडलायुक्त। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जल्द ही जिला चिकित्सालय के नए बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे मरीजों को मिलेगी सारी सुविधाएं। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस से पूर्व निकाली गई तिरंगा यात्रा। और उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर की मांग, कहा बंधु सिंह पार्क में बनने वाले नए भवन का नाम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी पर रखे नगर निगम। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, साईं प्रणाम।